हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 27 अगस्त 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर आईपीएल के सभी फ्रेंचाइज, कुछ बड़ी रिप्लेसमेंट जो कि हमें देखने को मिली, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज को लेकर और ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग आठ काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल और क्रिकेट के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहां पर केकेआर की टीम ने अपनी रिप्लेसमेंट फाइनलाइज कर दी है। हमने आपको बताया था कि एक रिप्लेसमेंट केकेआर की टीम करने वाली थी और पैट कमिंस जो कि इनके स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इन्होंने टिम साउदी को अपनी टीम के साथ साइन कर लिया है, जहां पर आप लोगों को एक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो कमिंस का क्योंकि जो बेस प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था अगर हम उनके एक्चुअल प्राइस की बात करें, लेकिन क्योंकि बेस प्राइस 2 करोड़ ही था तो इसी तरीके की कुछ साइनिंग केकेआर को करनी पड़ी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग टिम साउदी के कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इंक्लूजन से खुश हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। तो पीबीकेएस की टीम ने भी अपनी सेकंड और फाइनल रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी है। इन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी थी कि रायली मेरेडिथ की जो रिप्लेसमेंट है वो एक ऐसे प्लेयर को करेंगे जो कि इंग्लैंड का प्लेयर होगा, हमने आपको बताया भी था, और इन्होंने कहा था कि ये विटेलिटी ब्लास्ट पर भी नजर रखे हुए हैं। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब किंग्स ने आदिल रशीद को अपनी टीम में रायली मेरेडिथ की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर लिया है। अब रशीद की बात की जाए तो आप लोग जानते ही होंगे कि T20 क्रिकेट में टॉप 4 बॉलर्स में से ये एक हैं, एक लेग स्पिनर है इंग्लैंड से, और ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम में हालांकि स्पिनर के तौर पर ऑलरेडी ऑप्शंस तो मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक और फास्ट बॉलर खिलाने के बजाय राशिद को अपनी टीम में शामिल किया है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग पंजाब किंग्स के इस रिप्लेसमेंट से सहमत हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है बीसीसीआई के गवर्निंग काउंसिल यानी कि जीसी आप इसको बोल सकते हो, जीसी की साइड से। तो जीसी ने उन 9 प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट को जारी कर दिया है जो कि सभी टीमों के द्वारा रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स में शामिल किए जा चुके हैं। यहां पर जीसी ने उन 9 के 9 प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जो कि हमने भी आपको चैनल के ऊपर बता दिया था किस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की 4 रिप्लेसमेंट निकल कर आई थी। उसके साथ ही हमने देखा पंजाब की टीम ने 2 रिप्लेसमेंट की, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी 1 रिप्लेसमेंट की, और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी 1 रिप्लेसमेंट की। तो इस तरीके से फिलहाल जीसी ने बता दिया है कि यही 9 प्लेयर रिप्लेस होने वाले हैं, यानी कि जो 4 टीमें रिप्लेसमेंट विंडो की प्रोसेस में थी उनकी प्रोसेस भी फिलहाल के लिए कंप्लीटेड है, और अगर इनको कोई और रिप्लेसमेंट करनी है, कोई और इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर 12 सितंबर तक रिप्लेसमेंट विंडो खुली हुई है, उस दौरान जाकर किसी भी टाइम पर ये लोग अपनी रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, जहां पर आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2021 के यूएई में अपनी प्रिपरेशंस का जो बिगुल है वो बजा दिया है अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, जहां पर आरसीबी की टीम का ये एक सिग्नेचर स्टेप रहता है कि हर साल आईपीएल से पहले वो एक फोटो पोस्ट करते हैं इस तरीके की, जिसमें उनके स्क्वाड में सभी प्लेयर्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो लास्ट बार भी इन्होंने ये फोटो क्लिक करवाई थी, और इस बार भी इन्होंने सेम चीज़ क्लिक करवाई है, जहां पर आरसीबी की टीम ने इस फोटो को टाइटल दिया है क्लास ऑफ 2021, यानी कि पार्ट 2 के लिए जितने भी प्लेयर्स थे उसमें 4 नए और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का एडिशन हो चुका है। तो उन सभी के साथ, उन 25 सदस्यीय अपने स्क्वाड के साथ आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2021 के लिए अपनी तैयारियां और अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने का जो ऐलान होता है वो कर दिया है। कमेंट करके आप लोग बताइए, अगर आप लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैन है तो क्या इस बार आरसीबी का बेस्ट चांस आपको लगता है आईपीएल की ट्रॉफी उठाने का या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर, जहां पर पहले दिन जितनी भारत की हालत खराब थी वो अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि पूरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जिस तरीके से नचाया है, और जिस पिच के ऊपर भारतीय टीम की बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था, उस पिच के ऊपर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से उसको एक फ्लैट ट्रैक दिखाया, उससे पता चलता है कि अब भारतीय टीम इस मुकाबले में जीतना तो भूल ही चुकी है, और अब अगर हमें ड्रॉ भी सीरीज को, इस मुकाबले को करना है, तो फिर कहीं ना कहीं बारिश की भारत को ऐसी जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। इंग्लैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन बना चुकी है, 345 रन की लीड हो चुकी है,
चुकी है और अब ये पहली पारी है और ऐसे में भारतीय टीम को पारी की हार से बचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रन स्कोर करने पड़ेंगे थर्ड इनिंग्स में। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करती है या फिर कर भी पाती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है आईपीएल 2021 में मिनी ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग। जहां पर आईपीएल अभी तक हम देख रहे हैं कि लास्ट के 2-3 सालों से हमें कोई भी ओपनिंग सेरेमनी इतनी ग्रैंड वाली देखने को नहीं मिलती जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स आकर परफॉर्म करते थे या फिर इवन पूरे शाम तक हमें ओपनिंग सेरेमनी होते हुए नजर आती थी। लेकिन गाइज उसके बाद जो पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके नेक्स्ट ईयर भी हमने देखा था कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी और ये एक अच्छी बात थी क्योंकि उस ओपनिंग सेरेमनी के पैसे को किसी अच्छे कॉज के लिए या फिर किसी चैरिटी में डोनेट किया जाता रहा है। और ऐसे में जब आईपीएल किक ऑफ होगा यूएई में यानी कि आईपीएल एक तरीके से रिज्यूम होगा तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या हमें एक यहाँ पर फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिल सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जय साहब इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि इस बार आप लोगों को ओपनिंग सेरेमनी तो ऑब्वियसली बातें देखने को नहीं मिलेगी, एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कार्ड ही मान लो आप लोग। लेकिन जो मिनी ओपनिंग सेरेमनी होती है छोटी सी, जहां पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उनके ऑफिशियल्स और सभी टीमों के कैप्टन वर्चुअली इस चीज को कंक्लूड करते हुए नजर आते हैं, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा लंबा ये ड्यूरेशन नहीं होगा लेकिन मिनी ओपनिंग सेरेमनी आपको जरूर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि जितने भी प्लेयर रिप्लेस हुए हैं यानी कि जो 9 रिप्लेसमेंट हमें अभी तक देखने को मिली हैं, उन सभी 9 रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के जितने भी जो अगर हम उनके टोटल देख लें कि वो किस तरीके के बॉलर हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो 4 ऐसे बॉलर्स हमारे सामने निकल कर आए हैं जो कि सभी टीमों ने यूएई के लिए लेग स्पिनर चूज किए हैं और ये टॉप 4 T20 बॉलर भी हैं। तबरेज शम्सी राजस्थान रॉयल्स, वनीडू हसारंगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उनके साथ ही राशिद खान तो ऑलरेडी हमने देखा ही है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पार्ट हैं और उनके साथ ही आदिल रशीद भी अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि एज अ रिप्लेसमेंट जुड़ चुके हैं पंजाब किंग्स की टीम के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट सभी टीमें अब लेग स्पिनर में कर रही हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर की अहमियत बढ़ते जा रही है और यूएई के पिचेस जिस तरीके की हैं, हो सकता है वहाँ पर आप लोगों को लेग स्पिनर्स का काफ़ी ज़्यादा कमाल देखने को मिले क्योंकि पास्ट में हम ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेग स्पिन को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। कमेंट करके आप लोग बताइए इन 4 स्पिनर्स में से आप लोगों के हिसाब से यूएई में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पिनर वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहाँ पर केकेआर की टीम ने अपनी टीम में टीम साउदी को एज अ रिप्लेसमेंट तो शामिल कर लिया है लेकिन उनकी साइड से क्लियर कट मैसेज जा चुका है कि लॉकी फर्ग्यूसन ही उनकी टीम की पहली प्रायोरिटी रहेंगे। क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन को जब पास्ट में चांस दिया गया था तो वहां पर वो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे थे और बहुत सारे फैंस को तो यही समझ नहीं आया था कि उनको टीम में जगह क्यों नहीं दी जा रही है क्योंकि वो पैट कमिंस से भी ज्यादा अच्छे बॉलर नजर आए थे। जब भी उन्हें चांस मिला था लिटरली हर एक ओवर में वो हमें विकेट निकालते हुए नजर आए थे, अपने पहले ही ओवर में वो विकेट्स ले रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी लॉकी फर्ग्यूसन को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया गया अभी तक आईपीएल 2021 में। तो इन्होंने बता दिया है कि साउदी से ऊपर यही इनकी प्रेफरेंस रहेंगे। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।